स्टूडेंट्स, आई एम निकिता बुलचंदानी, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एट कन्हा इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो स्पोकन इंग्लिश में हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। कौन कौन से, लेट्स रिवाइज। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशंस। और आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कौन सा टॉपिक है? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइंट्स फ्रेजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स टुगेदर। अब कंजंक्शंस क्या होता है? ऐसा वर्ड जो टू सेंटेंस को, टू वर्ड्स को जॉइंट करता है। अगर टू सेंटेंसेस है, उसे हम कोई वर्ड से जॉइंट करते हैं, उसे हम कंजंक्शंस बोलते हैं। कंजंक्शन फ्रेजेस को भी जॉइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रेजेस है। फ्रेजेस मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड विच वी यूज टुगेदर। बहुत सारे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, जो हम साथ में यूज करते हैं, उसे हम फ्रेजेस बोलते हैं। टू सेंटेंसेस है, टू वर्ड्स है, अगर हम उसे जॉइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। जैसे मोना एंड सोना, मोना एंड सोना आर प्लेइंग। मोना एंड सोना, तो यहाँ पे मैंने टू वर्ड्स को ज्वाइन किया। कौन कौन से? मोना एंड सोना। ऐसे हम जो भी वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस बोलते हैं। कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। बट, एंड, और, बिकॉज एंड एक्सेट्रा, मीन्स बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स शो किए हैं। बट जैसे आई लाइक जेली बट आई डोंट लाइक चिप्स। आई लाइक जेली बट आई डोंट लाइक चिप्स। मुझे जेली तो पसंद है, मुझे चिप्स पसंद नहीं है। तो यहाँ पे टू सेंटेंसेस है। देखो, आई लाइक जेली, आई डोंट लाइक चिप्स। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई लाइक जेली। सेकेंड सेंटेंस है आई डोंट लाइक चिप्स। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आई लाइक जेली बट आई डोंट लाइक चिप्स। तो यहाँ पे टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? बट। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे राम और श्याम दो अलग अलग वर्ड्स है, इसको मैंने ज्वाइन करने के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज किया है? एंड। तो जब हम ऐसे कोई वर्ड्स यूज करते हैं जो टू वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फिर फ्रेजेस को जॉइन करता है, कनेक्ट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइंट्स फ्रेजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स टुगेदर। ऐसे सेंटेंसेस जिससे टू सेंटेंसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं, जो हम वर्ड बीच में यूज करते हैं, चाहे वो वर्ड हो, और हो, इफ, सो, ये सारे भी जो है क्या है? कंजंक्शंस है, जो फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को और वर्ड्स को क्या करता है? जॉइन करता है। क्या करता है? जॉइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू सेंटेंसेस हैं और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताने हैं कि कंजंक्शंस क्या है, मीन्स कौन से वर्ड से सेंटेंस जॉइन हो रहा है, वो आपको बताना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक जेली एंड आइसक्रीम। आई लाइक जेली एंड आइसक्रीम। अगर मैं ऐसे बोलूं आई लाइक जेली, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक जेली, आई लाइक आइसक्रीम, तो ये दो सेंटेंस हो गए। पर मुझे क्या करना है? इन दोनों को जॉइन करना है। तो मैं कैसे बोलूंगी? आई लाइक जेली एंड आइसक्रीम। तो इसमें कंजंक्शन क्या हुआ? कौन से वर्ड ने ज्वाइन किया है सबको? वेरी गुड, एंड। सो एंड है वो क्या है? कंजंक्शन है। आई लाइक जेली एंड आइसक्रीम। नंबर टू, आई लाइक चॉकलेट बट आई डोंट लाइक चिप्स। आई लाइक चॉकलेट बट आई डोंट लाइक चिप्स। मुझे चॉकलेट्स तो पसंद है बट मुझे चिप्स पसंद नहीं है। तो यहाँ पे भी टू सेंटेंस, आई लाइक चॉकलेट ये फर्स्ट सेंटेंस, आई डोंट लाइक चिप्स ये है सेकंड सेंटेंस। तो यहाँ पे कौन से वर्ड ने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है?
चॉकलेट बट आई डोंट लाइक चिप्स. वेरी गुड. बट तो बट है वो क्या है, हमारा कंजंक्शन है. यू कैन हैव पास्ता और पिज्जा फॉर टी. आप टी के साथ या तो पास्ता ले सकते हैं या पिज्जा ले सकते हैं. तो यहाँ पे देखो टू वर्ड्स है, पास्ता पिज्जा. फर्स्ट वर्ड क्या है, पास्ता. सेकेंड वर्ड क्या है, पिज्जा. इन दोनों वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया है कौन से कंजंक्शन से, और से. वेरी गुड. आपको या तो पास्ता या फिर पिज्जा आप ले सकते हैं टी के लिए. तो यहाँ पे हमने पास्ता और पिज्जा को और के साथ कनेक्ट किया है. नंबर फोर, वी कुडंट प्ले आउटसाइड बिकॉज ऑफ हैवी रेन. अब देखो यहाँ पे भी पूरा सेंटेंस है, हम बाहर खेलने नहीं जा सकते. क्यों? Why? Because of heavy rain. क्योंकि बाहर बहुत ही heavy rain है. तो we couldn't play outside because of heavy rain. हम बाहर खेलने नहीं जा सकते. पर क्यों नहीं खेलने जा सकते, उसका कौन सा वर्ड हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, because. वेरी गुड. तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंजंक्शन हुआ. We couldn't play outside because of heavy rain. heavy rain की वजह से हम बाहर खेलने नहीं जा सकते. तो ये सारे हैं आपके conjunctions. Let's revise once again. Conjunctions are words that joins phrases, sentences or words together. ऐसे words जो sentences, phrases या words को join करता है उसे हम क्या बोलते हैं, conjunctions. Some examples: but, and, or, because, and etc. Okay. Thank you, students.